हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से मिनी चॉकलेट केक। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। आपका स्वागत है वनीताज मैजिक किचन में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिनी चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 पैकेट ओरियो बिस्किट। ये मैंने यहाँ पे बड़े वाले पैकेट लिए हैं, आप चाहें तो छोटे वाले 4 पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे बिस्किट हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे और हमें इसका एक फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो जब आप बिस्किट्स को ग्राइंड करेंगे तब आप साथ में 2 टेबलस्पून चीनी उसी में ऐड कर दें और दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लें। अब हम इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। दूध को हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। और मिल्क जो हम लेंगे वो एकदम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे हम मिक्स करते जाएंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क भी ऐड करते रहेंगे। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसके हिसाब से ही इसमें दूध ऐड करेंगे। अभी बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की हमें रखनी है। और ये बैटर बनाने के लिए मैंने आधा कप कम दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये मेजरमेंट आधा कप का था और अभी इसमें ये बाकी का दूध बचा हुआ है, तो आप भी अकॉर्डिंगली ही यूज़ कीजिएगा। अब हम ले लेते हैं अप्पे पैन, और अप्पे पैन को हमें घी से ग्रीस कर लेना है। वैसे तो ये नॉनस्टिक पैन है, अगर आप इसे ग्रीस नहीं भी करेंगे तो फिर भी चलेगा, बट मैं फिर भी इसे हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ। जब भी हम ये मिनी केक बनाएंगे तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें अप्पे पैन को ऑलरेडी गैस पर रखकर गर्म नहीं करना है। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार करके रखा था, हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ले लेते हैं वापस से अप्पे पैन, जिसको हमने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ था, और इसमें हम इस मिक्सचर को पोर कर देंगे। और मिक्सचर को हमें पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है, हम इसे आधा ही फिल करेंगे, क्योंकि जब ये फूलेंगे तब इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो देखिए, मैंने सारे मोल्ड्स को फिल कर लिया है और अब इसको हम डायरेक्ट रखेंगे गैस के ऊपर। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे ढक करके करीब 4 से 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और अभी हम ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छे से ये फूल चुके हैं। इन्हें पलट कर सेकने की ज़रूरत नहीं होती है और इसे हम टूथपिक की हेल्प से एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम क्लीन टूथपिक बाहर आई है, तो यानी कि केक जो है वो बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेते हैं। मैं एक स्पून की हेल्प से इन्हें डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो देखा आपने, ये मिनी चॉकलेट अप्पे बनाना कितना इजी है, बहुत ही इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाते हैं। जब भी आपका केक खाने का मन हो तो आप फटाफट से इसे बना करके खा सकते हैं। ये मिनी केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, और मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको। अंदर से काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं ये। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, और डेकोरेशन करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। एक पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ले लिया है और इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क ब्राउन के ऊपर व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी के साथ अभी हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देंगे। मेरे पास केक स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं तो मैं उसके ऊपर इसे स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास कलरफुल जो सौंफ आती है, अगर वो है तो आप उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर जैम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।